हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 24 मई 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस थे 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पांचवें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, नई दिल्ली। ट्रांसपोर्ट इंडिया, सोलर इंडिया, बिल्डिंग्स इंडिया और वाटर इंडिया एक्सपोज वाले पांचवें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का उद्घाटन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित यह इवेंट भारत के स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए प्रासंगिक उत्पादों और समाधानों की एक विशाल श्रृंखला के प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन का निर्माण करता है। अब इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो नई दिल्ली के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, यह है इंडिया का मैप और इसमें नई दिल्ली, यह है नई दिल्ली। नई दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली भारत का 31वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित राज्यों में इसका पहला स्थान है। यहाँ का लिंगानुपात 866 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 86.21%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 90.94% और महिला साक्षरता दर है 80.76%। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश के केंद्रीय बैंक ने चीन के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अली पे और वी चैट पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, नेपाल। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अली पे और वी चैट पर रोक लगा दी है। नेपाल में प्रतिवर्ष चीनी पर्यटकों से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई में गिरावट की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर दो देशों की बात हो रही है, एक है नेपाल और दूसरा चीन, तो दोनों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सबसे पहले देखते हैं चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ की रिमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। अब नेपाल के बारे में जान लीजिए। नेपाल भी भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं 90, 102, 117 या फिर 124। किड्स राइट्स इंडेक्स 2019 में भारत 117वें स्थान पर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 181 देशों में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह वार्षिक वैश्विक सूचकांक देश में बाल अधिकारों में सुधार के पालन
और सुसज्जित होने को दर्शाता है। इसमें पहले स्थान पर, इस सूची में पहले स्थान पर आइसलैंड है और दूसरे स्थान पर पुर्तगाल। देशों को 5 संकेतकों पर आंका जाता है, यानी कि 5 कैटेगरी में आंका जाता है। पहला है जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बाल अधिकारों के लिए संरक्षण का अधिकार और पर्यावरण को सक्षम बनाना, किड्स राइट्स इंडेक्स। इरास्मस यूनिवर्सिटी राइटर्स के सहयोग से किड्स राइट्स फाउंडेशन की एक पहल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईसीसी के प्रसारण और डिजिटल वितरण योजना के तहत किस देश में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का प्रसारण किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हांगकांग, अमेरिका, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अफगानिस्तान। आईसीसी के प्रसारण और डिजिटल वितरण योजना के तहत अफगानिस्तान में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का प्रसारण किया जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के प्रसारण के लिए स्टार स्पोर्ट्स के अलावा 25 और भी चैनल के साथ 200 से ज़्यादा देशों में प्रसारण करना सुनिश्चित किया गया है। अब आईसीसी, सबसे पहले आईसीसी के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन और इसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। अब ये पहली बार प्रसारण होगा अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, यहाँ की करेंसी है अफगान अफगानी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं श्याम सरण, डॉक्टर हर्षवर्धन, सुषमा स्वराज या फिर नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, श्याम सरण। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरण को जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। भारत और जापान के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। 2004 से 2006 के दौरान भारत के विदेश सचिव सरण ने राजनीतिक साझेदारी के लिए जापान भारत संबंधों को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एक जापानी सरकारी सम्मान है जिसे 1875 में सम्राट मिजी ने स्थापित किया था। अब ये सम्मान जापान द्वारा दिया जा रहा है, तो जापान के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें जापान, ये है जापान। जापान की करेंसी है येन, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शिंजो एबे। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, भारत या फिर ऑप्शन एक और दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक और दो, यानी कि अल्जीरिया और अर्जेंटीना। WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यहाँ क्रमशः 2018 और 2010 के बाद से बीमारी के स्वदेशी संचरण का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। एक संक्रमित मच्छर के काटने से अनुबंधित मलेरिया दुनिया के अग्रणी हत्यारों में से एक है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार यह 87 देशों से अनुमानित 219 मिलियन मामलों और 217 में 4 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। मलेरिया परजीवी की खोज सबसे पहले अल्जीरिया में फ्रांसीसी चिकित्सक चार्ल्स लुइस अल्फोंस लॉरेन ने 1880 में की थी। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, WHO, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। तो सबसे पहले WHO के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा
स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनोम। टेड्रोस एडनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अब अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सबसे पहले आप अल्जीरिया के बारे में देख लीजिए। ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस, यहाँ की करेंसी है दिनार और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल अजीज बोती फिल्मा। अब अर्जेंटीना के बारे में जान लीजिए। अर्जेंटीना ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, यहाँ की करेंसी है पेसो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माउरिको मैक्री। ये इसके इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ 300 करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस हैं टेक महिंद्रा, रिलायंस, टाटा या फिर गोदरेज समूह। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने भारतीय नौसेना के साथ 300 करोड़ रुपए से अधिक के अपने सबसे बड़े रक्षा अनुबंध की घोषणा की है। ए एफ एस ए सी यानी कि आर्म फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में टेक महिंद्रा सभी नौसैनिक अड्डों और जहाजों में आर एफ आई डी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू करेगा। नया ए एफ एस ए सी कार्ड आश्रितों और पूर्व सैनिकों सहित सभी नौसेना कर्मियों के लिए मौजूदा पेपर आधारित पहचान पत्र की जगह लेगा और ये 5 प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए टेक महिंद्रा डेटा सेंटर के माध्यम से एक्सेस कंट्रोल डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस और ए एफ एस ए सी कार्ड का प्रबंधन करने के लिए एक सुरक्षित एप्लीकेशन विकसित करेगा। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिफिक वैनगार्ड एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुआ है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन ये सभी। यानी कि इसमें 3 देशों के अलावा एक और चौथा देश भी है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। इन देशों के बीच पैसिफिक वैनगार्ड एक्सरसाइज संपन्न हुआ है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने पश्चिमी प्रशांत में अपने पहले संयुक्त अभ्यास में सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के युद्धपोतों के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। अमेरिका के गुआम के प्रशांत द्वीप के पास पैसिफिक वैनगार्ड एक्सरसाइज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जापान यात्रा से पहले आयोजित की गई है क्योंकि क्षेत्र में चीन की सेना का मुकाबला करने में मदद के लिए वाशिंगटन एशिया में सहयोगियों की मदद चाहता है। यहाँ पर 4 देशों की बात हो रही है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। तो चारों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिका के बारे में जानिए। अमेरिका अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट जो देश है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया देखिए यहाँ पर है साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल, यहाँ की करेंसी है वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। और जापान जापान के बारे में आपको इसी वीडियो में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फाइटर जेट पर डे मिशन में अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी हैं। ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट भावना कांत, लेफ्टिनेंट स्मृति भार्गव, लेफ्टिनेंट हिमांशु सुले या फिर इनमें से कोई नहीं। हिमांशी सुले या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन लेफ्टिनेंट भावना कांत। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत मिशन शुरू करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं। उन्होंने मिग 21 बाइसन पर डे ऑपरेशनल सिलेबस पूरा किया है। भावना 2017 में फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं और 2018 में मिग 21 बाइसन पर पहली एकल उड़ान भरी है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया मूल का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शंस हैं पत्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक या फिर फिल्म निर्माता। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फिल्म निर्माता। विजया मूल का निधन हो गया, वे एक फिल्म निर्माता थे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, शोधकर्ता और शिक्षाविद विजया मूल्य का 98 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने 1959 यानी कि 1959 में दिल्ली फिल्म सोसाइटी की स्थापना की और बाद में उन्हें फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। विजया ने अपना निर्देशन द टाइटल बोर से शुरू किया। फिल्म को मैनहेम फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश मिला। वह 1974 यानी कि 1974 की सबसे प्रसिद्ध फिल्म एक अनेक और एकता के लिए जानी जाती हैं जिसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है, ओला ने किस बैंक के साथ साझेदारी में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आज के यानी कि 24 मई 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।